तो हे गाइस, मैं फिर से आ गया, फिर से एक न्यू टेक्नोलॉजी खाने लेके आ गया, जिसे देखने के बाद आप फिर से हैरान होने वाले हो। तो जापान के बारे में आपको बेस्ट ऐसा मैं विमान के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखने के बाद आप हैरान होने वाले हो और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल भी बने रहिएगा, और नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं किया करते हो यार, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। अब इस विमान में देखो, इस विमान में 6 लोगों को 256 किलो की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है, मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब उड़ सकता है, और ये कभी भी कहीं भी लैंड कर सकता है, और ये कभी भी मौसम में उड़ने की क्षमता रखता है। इसे जापान की कंपनियों ने बनाया है, मतलब कि क्या ही बात है यार। अब शिप को देखो, ये शिप की खूबी ये है कि बिना फ्यूल के चलती है। मतलब आप सोचते हो कि भाई ये शिप कैसे चलती होगी, तो आपको बता दूं ये सोलर बैनर से चलती है, इसे जापान की कंपनियों ने बनाया है। और आपको ये भी बता दूं, इसकी स्पीड 200 के आसपास ही सही कुछ इसकी स्पीड है, और ये भारी भरकम वजन भी उठा के आसानी से समुद्र में चल सकती है, मतलब कि क्या ही बात है। अब इस कार का भी नज़र डालो, मतलब इस कार में क्या खूबी ये भी बता देता हूँ। इस कार की खूबी यह है कि बुलेट प्रूफ इसकी टायर है, और सबसे दुनिया का सबसे फास्ट कार है। इसकी 1000 स्पीड है, इसकी पता है आपकी कितनी साइलेंसर, इसकी 4 साइलेंसर है, मतलब कि क्या ही बात है। आप सब वीडियो देखते करो, तो इस विमान का भी वीडियो देख लो, मतलब कि क्या है इसकी भी खूबी, इसको बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये मामूली विमान से क्यों गुना ज़्यादा स्पीड चल सकता है, मतलब इसकी स्पीड तो मुझे नहीं पता, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी स्पीड कितनी तक होगी। अब जैसे कि देख सकते हो, ये भारी वर्क उठा कर भी वजन लेकिन जा सकती है, मतलब कि क्या ही अमेजिंग है।